बॉलीवुड फिल्म पठान रिलीज होने से पहले विवादों में है। देश भर में इसका विरोध हो रहा है। देवास में भी इस फिल्म का विरोध हो रहा है। शहर के आगरा बॉम्बे रोड स्थित विकास नगर चौराहे पर संस्था जन चेतना और राष्ट्रवादी पार्षदों ने फिल्म के कलाकार शाहरुख खान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पार्षदों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। पार्षद अजय तोमर ने बताया कि पठान फिल्म के कलाकार शाहरुख खान का पुतला दहन किया है। भगवा रंग का अपमान ना हिंदू समाज सहन करेगा और ना ही हिंदुस्तान करेगा। उनकी इस फिल्म के एक गाने में भगवा रंग को लेकर गलत शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि पठान फिल्म पर सरकार प्रतिबंध लगाए या इस फिल्म में दर्शाए गए गाने से भगवा कपड़े वाला दृश्य हटाकर फिल्म रिलीज की जाए, नहीं तो इस फिल्म को दिखाने नहीं दिया जाएगा। बताए भैया, किस बात को लेकर पुतला दहन किया गया है और किसका किया गया है? ये पठान मूवी के कलाकार शाहरुख खान का पुतला दहन किया गया है। भगवा रंग का अपमान ना हिंदू समाज सहन करेगा ना हिंदुस्तान से सहन करेगा। क्या मांग की है? हमने पठान मूवी का बहिष्कार पूर्ण रूप से हिंदू समाज कर रहा है। सरकार से चाहते हैं पठान मूवी पे प्रतिबंध लगाए। इस मूवी में क्या आपत्तिजनक है? भगवा रंग बताया गया, वेसर में रंग बताया गया, इस तरीके का सॉन्ग में गलत शब्दों का उपयोग किया गया और आपत्तिजनक हीरोइन पहनावे में इस सॉन्ग को गाना गा रही है। नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम आंदोलन करेंगे, पहले तो सरकार से निवेदन करेंगे। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, चाहे वो उग्र आंदोलन हो, कैसा भी आंदोलन है। हम चेता रहे हैं कि पठान मूवी का बहिष्कार देवास तो कर रहा है, पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मिश्रा जी ने साफ शब्दों में कर दिया है कि ये गाना हटाया जाए और जो भी भगवा रंग के बारे में या हिंदुत्व के बारे में गलत टिप्पणी कही गई उसे हटाया जाए, फिर मूवी रिलीज करी जाए। अगर फिर भी रिलीज करी गई तो हम मूवी नहीं लगने देंगे थिएटरों में। मैं अजय तोमर, हम मेरे साथ सभी पार्षद हैं, भूपेश जी ठाकुर, प्रवीण जी वर्मा, गोपाल जी खत्री, बीजेपी के बड़े बड़े सदस्य हैं, संस्था जन चेतना के सभी कार्यकर्ता हैं, योगेश शर्मा पूर्व अध्यक्ष प्रतीक सोलंकी एवं सभी राहुल गोस्वामी, सभी लोग का सहयोग रहा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।